कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। कल हमने मानव शरीर का एक सामान्य परिचय, उसके जो 11 तंत्र हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ से एक एक तंत्र को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो उससे पहले आज हम एक शरीर की जो परिभाषा है उसके वो समझ लेते हैं। अपने शास्त्रों में शरीर के दो परिभाषाएं मुख्य रूप से मिलती है। एक है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, देखना शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसका अर्थ है अपने कर्तव्य पूर्ति का जो श्रेष्ठ साधन है वह शरीर है। अगली परिभाषा है इति शरीरम, यह परिभाषा आचार्य चरक ने दी है। चरक संहिता के जो रचयिता है आचार्य चरक, उनके द्वारा दी गई परिभाषा है क्रियते इति शरीरम। इसका अर्थ है जो निरंतर विनाश होने वाला है वह शरीर है। सभी जीवों का शरीर निरंतर विनाश होता रहता है। यह दो परिभाषाएं प्राचीन शास्त्रों में मिलती है। इसके बाद हम आधुनिक विज्ञान में शरीर की परिभाषा देखते हैं या जीव शरीर की परिभाषा देखें तो वह आती है कि अलग अलग अंगों के समूह को शरीर कहते हैं। किसी भी जीव के अलग अलग अंगों का जो पूरा समूह है वह शरीर कहलाता है। मनुष्य शरीर की परिभाषा, मनुष्य शरीर के समस्त अंगों का समूह शरीर है। ये दो तीन शरीर के सामान्य परिभाषा है। आज हम इससे आगे शुरू करेंगे कोशिका की रचना एवं उसका कार्य क्या है। हम सब ने चर्चा की थी कि कोशिका के बारे में, कोशिका क्या है और उसके कार्य क्या है। आज उसको थोड़ा विस्तृत रूप में कोशिका के अंगों को भी पढ़ेंगे। तो कोशिका, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है वह कोशिका है। कोशिका को सेल भी कहते हैं, कोश भी कहते हैं, कोशाणु भी कहते हैं। कोशिका की एक सामान्य परिभाषा क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। अब कोशिका को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जीव संरचना के आधार पर कोशिका के दो प्रकार है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जिन जीवों की संरचना केवल एक कोशिका से है वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, और जिन जीवों की संरचना अनेक कोशिकाओं से मिलकर है हुई है वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव में अमीबा आता है, यह एक कोशिकीय जीव है।
और जैसे मनुष्य है, मच्छर है, यह सभी बहुकोशिकीय है। जीव जंतु सभी ये बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यह दो प्रकार जीवों की संरचना के आधार पर है। इसके बाद कोशिका के केंद्रक के आधार पर दो प्रकार है। पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकेरियोटिक। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। और इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें डीएनए होता है और इसमें भी डीएनए होता है। लेकिन जो कोशिका के अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया और भी है, वो सभी इसमें नहीं होते हैं। इसमें केवल राइबोसोम होता है। राइबोसोम केंद्रक डीएनए और राइबोसोम जिसमें है वो प्रोकैरियोटिक है, और जिसमें केंद्रक नहीं होता है वो यूकेरियोटिक है। यह दो प्रकार केंद्रक के आधार पर है। अब आगे कोशिका की आकृति कैसी है? कोशिका की आकृति लंबाकार, सर्पिल आकार, गोल, चपटी, अनेक प्रकार की आकृति की कोशिका होती है। कोशिका की साइज क्या है, उसका आकार कितना है? तो सबसे छोटे कोशिका 10 UN होती है। यह सबसे छोटे आकार की कोशिका है, 10 UN की। सबसे बड़ी कितनी होती है? 10 इंच। शुतुरमुर्ग के अंडे का जो व्यास है वह 10 इंच का होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका 10 इंच के होती है। अब मानव शरीर में लगभग 200 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में दो सौ प्रकार की, ये 200 प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अंगों के लिए होती हैं और अलग अलग तरह के कार्य करती है। अगला है कोशिका को समझने के लिए कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा जीव द्रव्य और तीसरा केंद्रक। कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, केंद्रक। अब इन तीनों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार मैं कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है वो बता देता हूँ। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, ठीक उसी प्रकार कोशिका की संरचना होती है। और जो प्याज की जो पतली परत है उसकी जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम जब ध्यान से देखते हैं तो जो संरचना हमको दिखती है तो कोशिका की संरचना भी उसी प्रकार की बनी होती है। अब कोशिका दिखती क्या है? कोशिका
कोशिका कैसा है? ये कोशिका बनी हुई है, इसके अंदर यह केंद्रक है और इस कोशिका के अंदर लिक्विड भरा रहता है, तरल, यह जीव द्रव्य कहलाता है। और यह जो कोशिका के बाहर वाली दीवार है, यह वाली, यह कोशिका भित्ति कहलाती है। यह है कोशिका भित्ति, यह है केंद्रक और यह है जीव द्रव्य। यह पूरी कोशिका का चित्र है। इसको अगर हम देखते हैं तो ये जो बाहर का आवरण हमें दिखता है, आउटर लेयर इसकी, यह कोशिका भित्ति, भित्ति का अर्थ है दीवार। इस कोशिका की जो दीवार है, यह कोशिका भित्ति है, इसके अंदर तरल पदार्थ बना रहता है, वह जीव द्रव्य कहलाता है। और इसके बीच में, कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है, गोल होता है, इसकी संरचना गोल होती है, यह केंद्रक कहलाता है। तो इसी जीव द्रव्य के अंदर कोशिका के अंग होते हैं, को जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ये कोशिकांग कहलाते हैं, इनमें अलग अलग अंग होते हैं, छोटे छोटे अनेक प्रकार के, इनके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। अंग्रेजी में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह कोशिका भित्ति वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर यह कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है। इस झिल्ली का कार्य क्या है? यह झिल्ली कोशिका के अंदर आवश्यक पदार्थों को प्रवेश करने देती है। जो हम पोषक तत्व है, वे पोषक तत्व यहाँ इस झिल्ली से प्रवेश करते हैं। और इसके क्या कार्य है? कोशिका के जो श्वसन है, पोषण है और उसकी रक्षा करना, इस कोशिका की रक्षा करने का कार्य भी यह कोशिका झिल्ली करती है। आगे और देखते हैं इसमें कोशिका के कार्य, इसके कोशिका के जो अंदर के जो कोशिकांग है, जीव द्रव्य है, इसकी रक्षा करना कोशिका भित्ति का कार्य है। इस जीव द्रव्य, यहाँ कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है, इसके अंदर रासायनिक क्रिया होती रहती है, रासायनिक संगठन कार्य करते रहते हैं। तो यह रासायनिक संगठन ठीक प्रकार से कार्य करे, उनको सहारा देना, इनको रक्षा करना, ये बाहर ना निकले, इसका कार्य भी यह कोशिका झिल्ली करती है। यह कोशिका झिल्ली पोषक तत्वों को और ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिका के अंदर पहुंचाती है और जो हानिकारक त्यागने योग्य पदार्थ है, उनको कोशिका से बाहर निकालने का कार्य भी यह कोशिका झिल्ली करती है। और क्या है? जैसे यह एक कोशिका है, ठीक इसी प्रकार पास में कोशिका रहती है, ये कोशिका इस प्रकार से समूह कोशिकाओं का जुड़ा रहता है। तो इन कोशिकाओं की जो दीवार है, आपस में मिली हुई रहती है। तो इससे ध्यान आता है कि कोशिका के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य यह कोशिका भित्ति करती है। दो कोशिकाओं के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य भी यह कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति करती है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य भी यह कोशिका भित्ति ही करती है। इस कोशिका भित्ति के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यह कोशिका भित्ति का कार्य है और कोशिका की संरचना। अब आगे है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? एक बार वो कोशिका को हम जीव द्रव्य को समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं, जैसे एक थैली के अंदर यदि पानी भरा जाता है, तो वो जो थैली की जो बाहरी परत है, वह कोशिका भित्ति है। जो थैली है वो कोशिका भित्ति है और उस थैली के अंदर जो पानी है वह जीव द्रव्य। ठीक उसी प्रकार कोशिका की यह भित्ति है और इसके अंदर तरल जीव द्रव्य होता है। यह जीव द्रव्य दो भागों में बटा हुआ है, इस जीव द्रव्य को दो भागों में
बांटा गया है। जीव द्रव्य इसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जीव द्रव्य या इसे कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। और दूसरा है कोशिकांग, जीव द्रव्य और कोशिकांग। जीव द्रव्य जो है वह तरल होता है और इस कोशिका का 55% इस जीव द्रव्य का 55% कोशिका द्रव्य होता है, बाकी के कोशिकांग होते हैं। अब यह कोशिका द्रव्य किससे बना होता है, तो यह कोशिका द्रव्य 75 से 90% पानी होता है और इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये घुले रहते हैं। इस यह जीव द्रव्य 75 से 90% पानी का होता है और इसी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा घुले रहते हैं। अनेक जीव रासायनिक क्रियाएं जो सारा केमिकल की क्रिया है इसे जीव द्रव्य के अंदर होती रहती है। ये जीव द्रव्य जीव रासायनिक क्रियाओं को करने में सहयोग करता है। आगे कोशिकांग, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। जो कोशिका की क्रियात्मक इकाई है वह कोशिकांग है। कोशिका की क्रियात्मक इकाई कोशिकांग है। प्रत्येक अंग के अलग अलग कार्य हैं। अब हम इनके अलग अलग अंगों को समझेंगे। पहला है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम केंद्रक के पास में उपस्थित रहता है और दो गोलाकार रचनाओं से मिलकर बना होता है जिसे सेंट्रियोल्स कहते हैं। केंद्रक के पास रहता है दो गोलाकार रचनाओं से बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स।
सेंट्रियोल्स कहते हैं। इनके चारों ओर सेंट्रियोल्स के चारों ओर ट्यूब्यूलिन के धागों की संरचना होती है। ट्यूब्यूलिन के धागों की संरचना होती है। यह धागे क्या करते हैं? कोशिका का विभाजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोशिका विभाजन कौन करते हैं? कोशिका विभाजन ट्रिब्यूनल्स। और ये कहाँ होते हैं? सेंट्रियोल्स के चारों ओर। अगला कोशिका अंग है अंतर्दर्भी जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका यह केंद्रक के पास में होती है। यह जो केंद्रक है इसके पास में ही यह अंतर्द्रव्य जालिका होती है। यह खुरदरी होती है और चिकनी होती है।
हम सैनिक गंगा के पास में होती है, दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकने अंतर्द्रव्य जालिका। इन दोनों का क्या कार्य है? यह खुरदरी जालिका राइबोसोम से चिपके रहती है, जो राइबोसोम है इससे यह अंतर्द्रव्य खुरदरी जालिका चिपके रहती है और प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है। प्रोटीन निर्माण से चिपके रहती है और प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है। चिकनी जो जालिका है वह वसा व स्टेरॉइड, वसा व स्टेरॉइड के निर्माण का कार्य करती है। अगला अंग है राइबोसोम। राइबोसोम अंतर्द्रव्य जालिका या केंद्रक की दीवारों से चिपके रहते हैं और कुछ राइबोसोम मुक्त अवस्था में जीव द्रव्य में रहते हैं। यह जो केंद्रक है इसके दीवारों से राइबोसोम चिपके रहते हैं, ये केंद्रक इसकी दीवारों से राइबोसोम चिपके रहते हैं और जो अंतर्द्रव्य प्रजालिका जालिका है वो इन राइबोसोम की दीवारों से राइबोसोम से चिपके रहते हैं। कुछ राइबोसोम इस जीव द्रव्य में, यह जो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य है इसके अंदर मुक्त अवस्था में रहते हैं, वह इस केंद्रक की दीवारों से चिपके हुए नहीं रहते हैं। और इस राइबोसोम का क्या कार्य है? कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाना, इस कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने का कार्य राइबोसोम करता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को इस कोशिका का शक्ति द्रव्य कहते हैं। पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति द्रव्य कहते हैं। किसका? कोशिका का। कोशिका का शक्ति द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसका आकार अंडे के समान का होता है, अंडाकार का माइटोकॉन्ड्रिया होता है कुछ इस प्रकार से। यह माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर अलग अलग उंगली नुमा संरचना होती है, यह ऐसी उंगली नुमा संरचना होती है। द्रव्यम से निकले हुए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द्विपर्तीय होता है, ऐसा होता है द्विपर्तीय। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका में कितनी होती है? ऊर्जा के आवश्यकता के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति द्रव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा का संग्रहण करता है, ऊर्जा बनाता है और ऊर्जा का संग्रहण करता है। अब यह ऊर्जा किस प्रकार से बनाता है देखेंगे। अंदर आने वाली परत में यहाँ आवश्यक रासायनिक एंजाइम होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली परत द्विपर्तीय है, एक तो बाहर की है एक अंदर की है। अंदर वाली परत में रासायनिक एंजाइम होते हैं, यह एंजाइम्स यहाँ अलग अलग एंजाइम्स होते हैं इस परत के अंदर। तो यह एंजाइम्स ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, ग्लूकोज
ऑक्सीकरण इसका ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्रिया करते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कोशिका को ऊर्जा प्रदान होती है, एनर्जी, कोशिका को एनर्जी प्रदान होती है। इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को में एटीपी बनता है। मैं जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है इसमें एटीपी बनते हैं, एटीपी में ऊर्जा संग्रहित रहती है और ऊर्जा का संचय इसमें होता है, एटीपी में ऊर्जा संग्रहित रहती है। इस एटीपी को एनर्जी भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसमें द्विपंक्ति होती है, अंदर की और बाहर की। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर रासायनिक एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण की क्रिया करके एनर्जी को एटीपी में संग्रहित करते हैं, जो ऊर्जा है उसको एटीपी में संग्रहित करते हैं। इस कारण से इसको एनर्जी कॉइन कहते हैं और ऊर्जा संग्रह होने से यह शक्ति ग्रह कहलाता है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब ये एटीपी टूट जाता है, एटीपी टूट जाता है और शरीर को ऊर्जा यहाँ से मिलती है। अगला कोशिका में है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण इसके संरचना कैसे होती है? चपटी थैलियों के समान, चपटी थैलियों के समान इसकी संरचना होती है और यह एक परत की झिल्ली से बना हुआ है, एक परत की झिल्ली। एक बार झिल्ली से बना होता है और चपटी थैलियों के समान गोल्जी उपकरण की संरचना होती है। जो ये थैलियां हैं इनके लगभग 3 से 20 थैलियों का समूह गोल्जी उपकरण को बनाता है। इन थैलियों के 3 से 20 थैलियों का समूह गोल्जी उपकरण बनाता है। गोल्जी उपकरण क्या कार्य करता है? जैसे थैलियां है, जैसे गोल्जी उपकरण है, यह प्रोटीन में सुधार करता है। और प्रोटीन को एकत्रित करने का कार्य भी गोल्जी उपकरण करता है। प्रोटीन को में सुधार करना और प्रोटीन को एकत्रित करना, यह दोनों कार्य गोल्जी उपकरण करता है। अगला लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसकी जो संरचना है वह छोटी छोटी गोल गोल थैली के समान है, थैली नुमा है
लाइसोसोम में 40 प्रकार के अलग अलग एंजाइम्स एंजाइम्स होते हैं। यह लाइसोसोम कोशिका के अंदर अंतःकोशिका पाचन का कार्य करता है। अंतःकोशिका पाचन का कार्य लाइसोसोम करता है, लेकिन इसमें यदि हानिकारक जीवाणु यदि प्रवेश करते हैं तो यह लाइसोसोम उन जीवाणु का नाश करता है। लाइसोसोम थैलीनुमा बना होता है और इसमें 40 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। अंतःकोशिका के पाचन का कार्य लाइसोसोम करता है और हानिकारक जीवाणु को प्रवेश कराने से लाइसोसोम रोकता है। जब यह जीवाणु अधिक प्रबल होते हैं तब यह थैली स्वतः फट जाती है, इसलिए इसे लाइसोसोम कहते हैं। अगला है पेराक्सिसोम। पेराक्सिसोम भी लाइसोसोम के समान थैलीनुमा संरचना है, पर यह लाइसोसोम से छोटे आकार की होती है। लाइसोसोम से छोटे आकार की थैलीनुमा संरचना है। पेराक्सिसोम क्या कार्य करती है? जो विष रूपी द्रव्य कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें बाहर निकालने का कार्य पेराक्सिसोम करता है। कैसे बाहर निकालता है? ऑक्सीकरण की क्रिया से इन विष रूपी द्रव्यों को नष्ट कर बाहर निकालने का कार्य पेराक्सिसोम करता है। ऐसे ही कोशिका के अंग है, कोशिकांग जो कोशिका में क्रियाओं को करते रहते हैं जिससे कोशिका जीवित रहती है। अब इनके अलावा भी कुछ और कोशिका के अंग हैं, जैसे कोशिका में कोशिका को रंग देने का कार्य कोशिका की रंग कणिकाएं करती है। कोशिका को सहारा देने का कार्य, उसको सेप देने का कार्य भी कोशिका के स्केलेटन का जो कार्य है वह करता है। जैसे हमारे शरीर में हमें सहारा और स्वरूप देने का कार्य हमारा कंकाल तंत्र करता है, हमारा स्केलेटन हमें सहारा देने का कार्य, स्वरूप देने का कार्य, आधार देने का कार्य करता है, उसी प्रकार कोशिका में भी स्केलेटन सिस्टम होता है। इसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब अगला जो है अंग, कोशिका के तीन भाग है, कोशिका झिल्ली, कोशिका का द्रव्य जीव द्रव्य और कोशिका। अब है केंद्रक।
यह जो केंद्रक है यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। यह कोशिका के बीच में सामान्य रूप से रहता है। कुछ कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं रहता है, लेकिन मनुष्य शरीर की सभी कोशिकाओं में केंद्रक रहता है। किस केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक कहलाता है। क्यों कहलाता है? कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य केंद्र करता है। समस्त कार्य को नियंत्रित करने के कारण यह कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। यह द्विपार्श्वीय झिल्ली से ढका होता है। यह इसकी जो लेयर है केंद्रक की दो परत की होती है, बाह्य परत और आंतरिक परत। दो परत की झिल्ली से यह ढका रहता है। इसके अंदर जीव का डीएनए क्रोमोसोम के रूप में रहता है। सूत्र यह डीएनए हमें अपने माता पिता से प्राप्त होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति अभिव्यक्त होता रहता है। तो यह जो डीएनए है क्रोमोसोम के रूप में इस केंद्रक के अंदर उपस्थित रहते हैं। इनकी संरचना एक प्रकार से भाग्य के अनुसार होती है। केंद्रक का कार्य क्या है? डीएनए को नियंत्रित करता है। कोशिका को गति देने का कार्य करता है। हमारे शरीर की मृत्यु केंद्रक पर ही निर्भर करती है। केंद्रक के अंदर भी द्रव्य तरल द्रव्य भरा रहता है। इस तरल द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव्य यह केंद्रक द्रव्य है जो जिसे न्यूक्लियोप्लास्ट भी कहते हैं। यह केंद्रक के अंदर उपस्थित रहता है। इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र रहते हैं जो कोशिका को गति देने का हमारी मृत्यु इससे डीएनए पर निर्भर करती है। तो सामान्य रूप से आज हमने कोशिका की रचना और इसके कार्य पढ़े हैं। तो हमें ध्यान नहीं दिया होगा कोशिका के तीन मुख्य भाग है। पहला है कोशिका झिल्ली जिसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं। दूसरा जीव द्रव्य, तीसरा कोशिकांग। यह तीनों मिलकर कोशिका की संरचना और उसके क्रियात्मक इकाई का कार्य करते हैं। कोशिका के कार्य में प्रोटीन का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण, वसा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यह सब कोशिका के अंदर होता है। हम जो भोजन करते हैं ठीक उसके रूप में वह कोशिकाओं तक नहीं पहुँचता है। उसके अलग अलग क्रियाओं से होता हुआ, रासायनिक क्रियाओं से होता हुआ अनेक प्रकार के एंजाइम्स उसमें मिलते हैं, तब जाकर कोशिकाओं को पोषण प्राप्त होता है और कोशिका अनेक प्रकार की रीजेनरेशन और डीजेनरेशन की क्रिया करती है, जिससे हमारा शरीर खेती करता है, श्वसन करता है, पाचन करता है, सभी प्रकार की क्रिया करता है। तो आज की कक्षा में हम ये देखेंगे, कल हम उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका के समूह जो है वह उत्तक कहलाते हैं। आज हम कक्षा में समाप्त करते हैं।